उन्नीस साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई रोज़ मुझे आधी से एक बोतल तेल पिलाया जाता था ये बोल के कि इससे बच्चा नीचे आ जाता है मेरी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई और ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त कोई नहीं था मैं और डॉक्टर भी बहुत लेट आई थी मैं दर्द से कह रहा रहे थे तकलीफ में मेरे ऊपर एक चादर तक नहीं थी मैं समझ नहीं पाई कि इतनी सी उम्र में, में मेरे ऑपरेशन भी हो गया नमस्ते मैं हूँ एडवोकेट पूजा खंडेलवाल मेरा जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था मेरे पिताजी बहुत ही नामी बिजनेसमैन थे तो मेरी आ, जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरे फादर ने मुझे सिंधिया स्कूल पढ़ने के लिए भेजा क्योंकि उस वक्त वो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उन परेशानियों का असर मेरे दिमाग पे पड़े मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब मैं वापस ट्वेल्थ में के बाद घर आई हूँ ट्वेल्थ पास करके मेरे एक दिन मेरे को मेरी मौसी का कॉल आता है रात का टाइम था साढ़े नौ बजे का मेरी मौसी मुझे बोलती हैं कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन uh, आपकी तो शादी पक्की हो गई मैं स्तब्ध रह गई वो उन, uh, वो लाइन सुन के मैं मैं समझ नहीं पाई कि इन्होंने मुझे क्या बोल दिया uh, मेरी मौसी बोली कि बेटा तुम्हारे पापा जयपुर आए थे पापा मम्मी उन्होंने शादी पक्की कर दी है तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ पाया मैं बहुत घबरा गई थी जब मेरे मम्मी पापा वापस आए तो मैं बहुत ही शॉक स्टेट में थी और मैंने पापा से पूछा कि मौसी ने ये क्या बोला मुझे की uh, मेरी शादी होने वाली है अभी आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं ये बात तब मेरे पापा मुझे बोले कि बेटा हम बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं मेरे पे बैंक का लोन भी है और उस वक्त मेरे फादर के पास इतनी इनकम भी नहीं थी और वो लोग मेरी शादी में कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे और आ, उनको लगा कि एकदम पढ़ी लिखी सुंदर लड़की है वहां जाने के बाद मैंने ये देखा कि वो लोग भी उन्हीं सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जिनसे मेरे फादर गुजर रहे थे मेरे फादर भी एक बिजनेस थे वो भी बिजनेस फैमिली थी वो भी अपनी इज्जत रखने के लिए दुनिया के सामने पूरा दिखावा कर रहे थे उनके घर में शैलेंडर्स लगे हुए थे बाहर पूरे फाउंटेन्स गार्डन्स दस दस बारह नौकर चाकर गाड़िया लेकिन अंदर से वो लोग खुद कर्जे में डूबे हुए थे ये सब देख के ना मैं अपने ससुराल में अपने घर की बात कर सकती थी ना घर में ससुराल की बात कर सकती थी मुझे तब भी लगा कि इस सिचुएशन में मैं कैसे सरवाइव क्योंकि यहां पे भी बहुत सारी मुसीबतें और प्लस वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि इतना इतना सर का घूंगा ढकना पड़ता है रात भर बस बहू ही सारा घर का काम करना है मुझे खाना तक नहीं बनाना आता था तो मुझे साइड में खड़ा कर दिया जाता था कि बैठ के सारा काम देखो और ये चांदी के बर्तन हैं ये सारी चीज़ें इनको बैठ के तुम दो क्योंकि वो लोग कुछ तो काम मुझे देते किचन में करने के लिए क्योंकि शुरू में जब हमारे यहाँ बनियाज में शादी होती है तो बहू को एक आध महीने रखा जाता है अपने पास फिर मैं उसी दौरान प्रेग्नेंट हो गई जल्दी एज में और मुझे ससुराल एटलीस्ट नौ महीने मतलब जो अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो तो मुझे ससुराल में ही रहना पड़ा अठारह साल में शादी हो गई उन्नीस साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई तब मैं जब ससुर के साथ रहती थी तब मुझे उन्होंने घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए साफ सफाई करने के लिए क्योंकि खाना मुझे ठीक से इतना आता नहीं था बनाना तो ये सारे काम मुझे दिए गए कि जितना तुम काम करोगी जमीन पे बैठ के बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगा तो मुझे ये सब बताया गया और मेरे दिमाग में भी यही बैठ गया कि सफाई करना घर का काम करना और नीचे बैठ के पोछे लगाने से ही बच्चा होगा नॉर्मल डिलीवरी मुझे याद है कि लास्ट दिन जब आ, मुझे डेट ड्यू डेट दी गई थी डॉक्टर से तो उसके एक महीने पहले से उन लोगों ने मुझे तेल पिलाना शुरू कर दिया मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग मुझे तेल क्यों पिला रहे हैं तो रोज मुझे आधी से एक बोतल तेल पिलाया जाता था ये बोल के कि इससे बच्चा नीचे आ जाता है शरीर में मेरा वजन इस कदर बढ़ चुका था इस इतना ज्यादा बढ़ चुका था उन्नीस साल की उम्र में कि जब मैंने डिलीवरी करी मेरी सिजेरिन डिलीवरी हुई और ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त कोई नहीं था मैं और डॉक्टर भी बहुत लेट आई थी मैं दर्द से कह रहा कर रहा रहे थे तकलीफ में मेरे ऊपर एक चादर तक नहीं थी और ठंड का टाइम था मुझे याद है मेरा डिलीवरी हुई और मैं समझ नहीं पाई कि इतनी सी उम्र में, में मेरे ऑपरेशन भी हो गया डॉक्टर ने मुझे बच्चा पकड़ा दिया और उन्होंने बोला कि तीन महीने तुम्हें कुछ भी ज्यादा सामान नहीं उठाना और कुछ मेहनत वाला काम नहीं करना और एक्सरसाइज भी नहीं करनी ज्यादा और बेड रेस्ट रहेगा भी दस पंद्रह दिन और कुछ घी की चीजें नहीं खाना बस मुझे इतना याद है उसी दौरान मेरे ससुर जी ने मेरे देवर की शादी पक्की कर दी उसकी शादी के लिए वो लोग लग गए उसकी तैयारियों में एक हफ्ता निकल गया जब सूरज जी की पूजा कराते हैं उसके बाद उन्होंने मुझे घर में बुलाया बच्चे के साथ एक महीना रखा वहाँ पे उसके बाद मुझे इंदौर भेज दिया गया पति के साथ तब मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ की सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी पहले दिन जब मैं घर में घुसी हूं तो घर में सिर्फ एक दंडल का गद्दा बस उसके अलावा उस पूरे हॉल के अंदर कुछ फर्नीचर नहीं सिर्फ एक गद्दा मुझे समझ नहीं आया कि हम मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर वहां पर भी आ, टाइमिंग से कि इतने बजे पानी आएगा इतने बजे वहाँ पे भी कठिनाइयों का दौर कुछ कम नहीं हुआ आ, कि आ, जो भी एक टाइम के शेड्यूल के हिसाब से पानी भरना होता था टंकी के अंदर और सब आ, कूलर में ही सोना कोई एसी नहीं कोई कुछ नहीं फिर भी आ, वो सारी चीजें मैंने एक्सेप्ट करी कि ठीक है जो मेरे पति की फाइनेंशियल सिचुएशन हैं उसके हिसाब से ही मुझे अपना जीवन जीना है और आगे जाके ये तो सभी के साथ होता है कि शुरू में सबको कठिनाइयां फेस करनी पड़ती मुझे बाद तो रही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया कहते हैं कि समय का चक्र एक जैसा नहीं चलता कभी ऊपर कभी नीचे समय बदलता रहता है हर इंसान का तो मेरी लाइफ में भी वैसा ही कुछ सिचुएशन स्टार्ट हुआ अपने आप में मैंने जो चीज़ कभी सोची भी नहीं थी क्योंकि मैंने अंदर सोच लिया था कि अब यही जीवन है मैं एक माँ बन चुकी हूँ मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है मुझे अपने पति का घर संभालना है यही मेरा जीवन है अंदर से ये बात मुझे बहुत कोसती थी कि पढ़ाई में इतने अच्छे स्कूल से पढ़ने के बाद भी मैं आगे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ और मेरे मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने फॉर्म पे क्या लिखेगा कि मेरी माँ ट्वेल्थ पास है तो ये बात मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कचोटती थी एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी मुझे याद है और जन्मपत्री बनवाने के लिए अपने बच्चे की तो जब मैं डेट ऑफ बर्थ और बता रही थी बच्चे का और अपना तो जो सामने बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम तो अभी बहुत छोटी हो तुम ये क्या करती हो अभी मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं करती मैं तो घर पे रहती हूँ मेरा बच्चे को संभालती हूँ तो उन्होंने बोला कि कहाँ से कौन से स्कूल से पढ़ी हुई हो मैंने बोला सिंधिया स्कूल से एंड आई बीन अ टॉपर ही सर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिंधिया स्कूल से पढ़ी हुई हो टॉपर रह चुकी हो सिंधिया स्कूल में आ, आर्ट्स में और मैं तुम आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती बेटा मैंने बोला मेरे घर में अलाउड नहीं है Uh, मेरे पति को पसंद नहीं है मेरी सास ससुर को पसंद नहीं है उन्होंने बोला मैंने बोला इनफैक्ट मैं जब यहाँ तो आज जन्म पत्री के लिए बोल के आई हूँ मैं जब अः uh, घर पे रहती हूँ तो मेरे पति मुझे लॉक करके जाते हैं क्योंकि मैं घर पे अकेली होती हूँ और ये नई जगह है मेरे लिए उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा पढ़ाई अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है और तुम्हें पढ़ना चाहिए मुझे तुम तुम्हा, तुम्हारे अंदर वो चीज दिखती है कि तुम अगर पढ़ोगी तो बहुत अच्छा करोगे आगे जाके तो उन्होंने मेरी जन्म पत्री मेरी भी देखी थी तो मैंने बोला कि आप बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है फीस भरने के तो उन्होंने और मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी रोज तो उन्होंने बोला उसकी चिंता मत करो मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं तुम्हारी अटेंडेंस रोज लगा दूंगा तुम उन्होंने मुझसे सिर्फ एक वादा लिया कि तुम कॉलेज आओगी रोज या नहीं आओगी मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता बस तुमको किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होना कभी भी तुम्हारे मार्क्स इतने लो नहीं आने चाहिए कि तुम नजर में आओ, मैं अटेंडेंस तुम्हारी मार्क कर दूंगा ये सुनके मुझे लगा कि वो अपने ऊपर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं और मेरी फीस भी उन्होंने ही भरी फीस, तब तक भी मैं आ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अंदर से कि वो मेरे लिए इतना कोई अनजान इंसान क्यों कर रहा है लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरी जन्मपत्री में ऐसा क्या देखा कि उन्हें लगा कि नहीं बेटा तुम्हें तो पढ़ाई करनी जरूरी है मैंने उनके कहने से फॉर्म भर दिया और उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया तो कॉलेज में तो मेरा एडमिशन करा दिया गया प्रोफेसर के द्वारा लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो मेरी लाइफ का था वो मुझे ये समझ नहीं रहा था कि अगर मैं बुक्स लेके आऊंगी और पढ़ूंगी तो पता तो चल ही जाएगा घर पे मैं अपने हस्बैंड को रोज बोलती थी कि मैं रोज लाइब्रेरी जा रही हूँ मुझे वहां पे जॉब मिली है एज अ लाइब्रेरियन थोड़ी देर के लिए जब बच्चा सो रहा होता था तो मैं उनको बोलती थी कि मैं दिन में जाऊंगी और पास में ही सामने लाइब्रेरी है उसमें मैं थोड़े से अर्निंग कर लूंगी और नहीं तो मैं बेबी को साथ में लेके चली जाऊंगी और तभी भी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि काम करने की जरूरत क्या है तो मैंने बोला मेरा घर पे बिल्कुल मन नहीं लगता और बैठे बैठे मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी बहुत ज्यादा बीमार मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरी और बहुत ज्यादा अंदर हारमोनल इश्यूज स्टार्ट हो गए थे तो उनको भी लगा कि वजन भी इतना बढ़ रहा है इतनी इसको परेशानियाँ हो रही हैं चलो थोड़ा सा बाहर निकलेगी तो ठीक रहेगा तो मैंने बोला कि मुझे लाइब्रेरी में जॉब मिल रही है आप मुझे अः बस दो चार घंटे मैं दोपहर में जाऊंगी और तो मेरे पति राजी हो गए उन्होंने बोला कि आप लाइब्रेरी में जॉब कर लो थोड़ी देर के लिए जाओ आया करो आया करो आ, मैंने उसी दौरान वहाँ पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया ऐसे करते करते मैंने एग्जाम की तैयारी कर ली और इंग्लिश लिटरेचर में भी मैं डिस्टिंगशन से पास हुई उसके बाद जब मैंने वो पास कर लिया मुझे मेरे प्रोफेसर बोले कि बेटा तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होता है अब तुम आ, कोई भी कोर्स ज्वाइन करो और आगे पढ़ाई करो तो मुझे लगा कि आगे क्या पढ़ना आ, क्या करूँ मैं लेकिन लॉ का कोर्स सबसे ज्यादा सस्ता था उस वक्त एज कम्पेयर टू मैं एम करना चाहती थी लेकिन एम uh, की फीस ज्यादा थी लॉ की बहुत सस्ती थी वो अफोर्डेबल थी कुछ मतलब बहुत लेस थी इंदौर में तो मैंने uh, लॉ की फीस भर दी उस टाइम तक मैं uh, मेरे पास थोड़े से पैसे भी होते थे सेविंग्स थी तो मैंने कॉलेज की बुक्स वगैरह खरीद ली कॉलेज में एडमिशन ले लिया फिर भी मेरी मुसीबतें खत्म नहीं हुई एक दिन की बात है कि मेरे पति को पता चल गया कि मैं लॉ कर रही हूँ जब मेरा फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स करीब थे उनको किसी ने मैं कॉलेज में जा रही थी किसी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी बीवी तो कॉलेज जाती है और वो ये वाले एग्जाम्स दे रही है आपको नहीं पता ये बात उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं पता तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं जब घर आई तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो तब ये बहुत आसान लगता था कि थप्पड़ मार दिया पति ने मुझे लगता था ये तो नॉर्मल सी बात है तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी तुमको उस टाइम तो उन्होंने मुझे एग्जाम नहीं देने दिया फिफ्थ सेमेस्टर लेकिन फिर मैंने फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर साथ में दिया मैं दोनों मैंने क्लियर कर लिए जैसे ही मेरे पास डिग्री आई मेरे पति को यह बात पता चल गई उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और उसी दौरान उन्होंने रसोई में पड़े हुए चक्कू से मुझे मारा तब मैं अपना जो गुस्सा था वो कंट्रोल नहीं कर पाई मारने के बाद मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी पैर पे से कि पूरा घर का फ्लोर खून में भर गया था और वो देख के वो भी डर गए थे और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए मेरे दिमाग में इतना ज्यादा उन लोगों का खौफ और डर था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो मैं बहुत ज्यादा ये लोग मुझे मार ही डालेंगे मेरे दिमाग में ऐसा खौफ बैठ चुका था ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता लेकिन मैं अंदर से डर चुकी थी और ये सोच के मैं वो घर छोड़ के और वापस अपने घर की तरफ मैंने रुक किया मैं वापस दिल्ली आ गई जब मैं वापस आ रही थी तब मेरे पास आने के भी पैसे नहीं थे मेरा टिकट भी मेरे एक फ्रेंड ने किया था और मैंने फ्लाइट पकड़ी और मैं दिल्ली वापस आ गई अपने फादर के पास पर आ, सोच के यही आई थी कि अब इतनी सारी परेशानियां और कठिनाइयां फेस करके आई हूं तो फादर के पास आके तो मुझे थोड़ा सा आ, रिलीफ मिलेगा फादर ने मुझे बोला एक दिन मैंने उनसे 500 सौ रुपए मांगे कि पापा मेरे को पैसे चाहिए उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ तो आ गई हो हमारे घर पे रह रही हो खाना खा रही हो पैसे की उम्मीद हमसे मत करना मेरे से कभी पैसे मत मांगना तुम आ गई हो अपनी मर्जी से आई हो यहाँ पर तो पैसे खुद कमाओ और अपनी जिंदगी चलाओ अपने बच्चे को देखो ये सुनके मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई मुझे लगा कि आज के बाद मैं अपने फादर से कभी पैसे नहीं मांगूंगी मैं मर जाऊंगी लेकिन पैसे नहीं मांगूंगी उसी दौर उसी दौरान मुझे ये लगा कि मेरे मेरे को खुद इतनी सारी हार्मोनल इश्यूज और पीसीओडी बोन वीकनिंग बहुत सारी इश्यूज थी मुझे तो मेरे को ये लगा कि मैं मैं इतनी वीक हो चुकी हूँ ना मैंने कभी इतने साल से जॉब किया कोई काम नहीं किया मुझे काम ही कौन देगा पर डिग्री मेरे पास थी तो मुझे लगा इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं मैंने इंटर्नशिप एक लॉयर मैंने बहुत जगह जगह कोर्ट्स में मैं घूमी एक लॉयर के अंडर इंटर्नशिप ली लेकिन देखिए स्टार्टिंग में जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप कुछ नया सीखेंगे एक नई दुनिया है सारे लोग आपको यहाँ सिखाने बैठे हैं ऐसा नहीं होता आ, उनके पास एक जना नहीं है बहुत सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप लेने के लिए और उस वजह से आ, मैं जब अपने सीनियर के पास गई हूँ तो वहां पे भी यही सेम सिचुएशन मैंने फेस की है कि पैसे कुछ मिलते नहीं थे और दिन रात डांट डांट सुनने को मिलती थी और काम करो बस पैसे की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस वक्त मुझे लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए और मैंने जॉब स्टार्ट किया उसके बाद मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आया कि जब सोशल मीडिया का एडवेंट बहुत स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया बहुत राइज पे आने लग गया टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन के बाद की बात कर रही हूँ मैं तो मुझे सब लोग पीछे पड़ गए कि आप इतनी सुंदर दिखती हैं बिल्कुल मॉडल जैसी दिखती हैं आपको तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करनी चाहिए आपको यूट्यूब पे होना चाहिए आपको सब जगह जाना चाहिए और मैंने पोस्ट भी करना चालू किया तो रील्स का जब टाइम आया तो सबने मुझे एडवाइस किया आप रील्स बनाइए अपनी तो मुझे हाइप भी मिलने लग गई तब मैंने सोचा कि इसको और इन्हांस करने के लिए क्योंकि मैंने कुछ उस टाइम कॉम्पिटिशन जीत लिए थे मैंने मिसेस गुड़गांव का भी कंपटीशन जीता था तो मेरे को जो सक्सेस मिला उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि आ, मुझे ना बॉडी एचिंग करानी चाहिए कि मैं प्लास्टिक सर्जन से मिली और उन्होंने मुझे सीधे रिकमेंड कर दिया कि आप आ, आ, मैं आपका लाइपोसक्शन कर देता हूँ वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बॉडी में उतना फैट ही नहीं था उस और वो करने के बाद मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया इतना सीवियर इन्फेक्शन कि मैंने जिस टर्म का कभी आज तक नाम भी नहीं सुना था ए टिपिकल माइक्रो बैक्टीरियम पूरे बैक्टीरिया ने मेरी बॉडी में कॉलोनीज बना ली थी बहुत मुश्किल से मैंने ये ये फिटनेस और बॉडी अटेन करी थी मेहनत कर करके फिर मैंने बहुत डॉक्टरों के पास खाक छानी तब जाके गंगा राम हॉस्पिटल में मुझे एक देवता स्वरूपी डॉक्टर है उन्होंने मेरा इलाज किया उन्होंने मुझे गाइड किया उसी दौरान क्योंकि मेरे पास टाइम था डेढ़ साल का मैं जी रिकवरी के अंदर मैंने बहुत सारी लॉ की बुक्स अ, मेडि, मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स की अपने आप को रिकवर कैसे करना है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कैनस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत पढ़ाई करी क्योंकि कोई और कोई काम ही नहीं था मेरे पास फाइनेंशियली पूरी ब्रोक हो चुकी थी पैसा था नहीं मेरे पास बीमार रहती थी और दवाइयाँ खाती थी तो जितना टाइम मिलता था जब जितने टाइम मैं एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स या फिर जो नार्कोटिक्स मुझे नींद की दवाइयाँ दी गई थी मैं जितनी टाइम नहीं सोती थी बैठती थी बाहर धूप में तो मैं बैठ के पढ़ाई करती थी वो जो भी मैंने पढ़ाई की उसके थ्रू मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी तो मैंने पी आर पी थेरेपीज और ये सब खुद पे करना चालू किया ये सारी चीज़ें मैंने सीखी प्लाट्रिट रिच ब्लड प्लाज्मा मैंने इंजेक्ट किया अपनी थेरेपीज मैं खुद करती हूँ आज की डेट में भी तो मैंने अपनी फेस की स्किन अपनी बॉडी की स्किन पूरी ट्रांसफॉर्म करी कॉन्फिडेंस रीगेन किया तब तक एंटीबायोटिक्स ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया था और मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया था वो सारे जो धब्बे मेरी बॉडी पे पड़ गए थे वो काफी हद तक साफ हो गए थे तभी एक दिन सडनली मेरी लाइफ का जैसे कहते हैं ना कि फिर से समय बदलता है और आदिश सर का मुझे फोन आता है वो मुझसे इतने सालों के बाद वैसे हम बीच में कभी कभी बात करते थे तो आदि सर ने मुझे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो तो मैंने बोला सर मैं घर पे ही हूँ तो बोले कि अच्छा मैंने पीएम मोदी के ऊपर एक बुक पब्लिश की है उनकी लाइफ के ऊपर आई वॉन्ट टू गिफ्ट टू यू मैं तुम्हारे घर आता हूँ देने के लिए तो सर आए और सर से मेरी उसी दौरान बात हुई सर ने बोला वापस से प्रैक्टिस क्यों नहीं स्टार्ट करती तो मैंने बोला सर मैं फिर से कर सकती हूँ सर बोले हाँ और उसी उसी के बाद सर सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए एंड फिर मैंने सर एज एन एसोसिएट सर के साथ वर्क करना स्टार्ट किया uh, सर ने तब भी मुझे यही समझाया कि देखो बेटा मैं तुम्हारा मेंटर हूँ लेकिन जर्नी अपने दम पे खुद स्टार्ट करनी होती है सो so, अपनी जिंदगी में सब लोग गुड uh, से बेस्ट बनना चाहते हैं लेकिन मेरा नजरिया यह है कि बेस्ट की जगह आप ग्रेट बनने की कोशिश करें क्योंकि ग्रेट इज इिप्लेबल जब आप ग्रेट बन जाते हैं तो आपको सदियों तक युगों तक कोई नहीं भूल सकता सो so, हमें यही बताया जाता है कि आपकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी लेकिन मैं आपको सच बताऊं आपकी लाइफ अच्छी तब होगी जब आप खुद अपने पैरों पर पे खड़े होंगे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे और वो काम आप जो करना चाहते हैं जो एक्चुअली आप केपेबल हैं करने के लिए वो काम करेंगे एक्चुअली आप खुद अगर मैं बताऊं अपने बारे में कि एक 18 साल की लड़की जो सिर्फ 12th पास करके स्कूल से आई है और 19 साल में वो माँ बन जाती है उसके बाद उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं वो चुपचाप पढ़ाई करती है वो लड़की और उ, उ, इतना सब उधर से ससुराल से पीहर से सब जगह से सुनने के बाद भी वो ये ठानती है कि मुझे आने वाले हर आगे के जितने भी साल हैं आगे के जितने भी युग हैं उसके अंदर लोग मेरी कहानी से कुछ इंस्पिरेशन ले ले सके इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें